डॉक्टर अनिल कुमार सानी। उपसभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए जो समय दिए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही एनुअल रिपोर्ट पावर 2013-14 के चर्चा में मैं इस बात से चर्चा शुरू करना चाहता हूं कि अंधेरे में आ गए हैं हम, अंधेरे में आ गए हैं हम, यहाँ जवा कदम जिंदगी की, अंधेरे में आ गए हैं हम, यहाँ जवा जिंदगी की, जिंदगी को ढूंढते हुए गीत गा रहे हैं हम आज, गीत गा रहे हैं हम आज, बिजली के रोशनी को ढूंढते हुए, बिजली के रोशनी को ढूंढते हुए आज गीत गा रहे हैं। आज गांव गवई और शहर, बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पर आज बिजली के लिए 24 घंटे के बाद बिजली वहां पर दिखाई देते हैं, और गांव गवई में जाके आप देखिए, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर जगह पर बिजली की आवश्यकता है। जिंदगी के, जिंदगी में आवश्यक आवश्यकताएँ बिजली से उसको जोड़ा गया है। मैं आपको राष्ट्रीय ईंधन नीति बनाने की ओर आपका मंत्री जी ध्यान देना चाहूँगा, क्योंकि जो वितरण प्रणाली है, क्योंकि इसके माध्यम से ही उद्योग चलते हैं, इसके माध्यम से ही किसी राज्य का विकास हो पाता है, मगर बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर आपके जो रिपोर्ट में जो दिए गए हैं उस पर अगर मैं चर्चा करूँ तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि मुझे समय बहुत कम दिया गया है। मैं शॉर्ट समय में ही आपको कहना चाहता हूं कि राज्य के साथ भेदभाव किया जाता है। 10 मिनट है। पिछले 10 वर्षों में, या उससे पहले आपकी सरकार थी, चाहे उससे पहले और जिसकी भी सरकार रही हो, जो गरीब स्टेट है जहां पर उद्योग नहीं है, वहां उद्योग नहीं चलने का कारण सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो बिजली का, पावर का सबसे बड़ा वहां पर इसका समस्या है, जिस कारण से आज जो है सो हमारे, जैसे कि बिहार को देख लीजिए, बिहार में जो है सो किस प्रकार से हमारे बिहार में उद्योग नहीं चल पाता है, क्योंकि वहां बिजली की कमी है। आप जो हमारे यहाँ बिहार में जो पावर प्लांट है, जैसे कि मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन है, उसमें 2 यूनिट है जो 1978 में इसका शिलान्यास किया गया था, और 1985 में 1 यूनिट चालू हुआ 110 मेगावाट का, और वहां पर फिर 2003 में वो बंद हो गया। तो वहां पर जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने 2005 में, तो पुनः 6 में उस पर वहां थर्मल पावर में उसमें धुआं आना शुरू हुआ, और 110 मेगावाट का वहां पर 2 यूनिट जो है सो चालू हुआ मुजफ्फरपुर में। और मैं खास करके इसके और आपको इशारा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं मुजफ्फरपुर से ही आता हूं, और वहां पर जो देख रहा हूं कि उससे प्रदूषण भी होता है थर्मल पावर से, और चूंकि मुजफ्फरपुर विश्व प्रसिद्ध लीची के लिए जाना जाता है, और ये जहां पर ये थर्मल पावर है उसके अगल बगल में जो है सो बहुत सारे लीची के बागान थे, जो इसके प्रदूषण के कारण और इसके चिमनी से जो धुआं निकलता है, जो छाई निकलता है, उसके कारण से वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, और लीची को समय पर ठीक से पकना नहीं और लीची बर्बाद हो जाना, ऐसी ये थर्मल पावर के लगने से हुआ है। मैं मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप इस विषय पर ध्यान देते हुए और उसे देखें कि उस प्रदूषण को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। और उसके बगल में जो एक मन था जिसको जलकर कहा जाता है, जिसमें जल का विकास होता था, मछली का विकास होता था, उसके छाई के कारण पूरा भर गया उसके प्रदूषण से। उस छाई के कारण भर जाने के कारण वहाँ के हजारों मछुआ जो है उसके अगल बगल के आज भूखमरी के शिकार में है। उसके बगल में बूढ़ी गंडक है, बूढ़ी गंडक में जो उसका छाई जाता है तो समय समय पर वहाँ के मछलियाँ जो है सो उबल जाती है। इस पर भी आपको ध्यान देने के लिए मैं कहूँगा। वहीं हमारा बाढ़ है जो कहलगांव है, जहाँ पर
23 अती है 4 यूनिट का है, 210 यूनिट का और मैराथन हाइड्रो पावर का भी है। हमारा कोल लिंकिंग जो हमारा जैसे कि बाट में है, जहां पर 660 मेगावाट का, 600 मेगावाट का वहां पर व्यवस्था में वहाँ कोल लिंकिंग के समस्या है। वहां पर कोयला जो ठीक से नहीं दिया जाए, उसी प्रकार से आप देख लीजिए बरौनी थर्मल पावर में, मुजफ्फरपुर थर्मल पावर में जो शुद्ध कोयला नहीं जा पाता है, पथल कोयला वहाँ दिया जाता है, जिस कारण से उसमें बहुत सारा जो है सो जो जो उसका थर्मल का जो सिस्टम है उसको खराब कर देता है और उसके कारण से बार बार खराब होता रहता है। इसके और भी आप ध्यान दें कि वहाँ पर अच्छा कोयला की सप्लाई हो, इस पर आप जो इस पर ध्यान जरूर दें ताकि बिहार में जो भी बिजली है वो सही रूप से चल सके, कोयला की दिक्कत वहाँ पर नहीं हो। मैं मंत्री महोदय आपसे विशेष रूप से करना चाहूँगा कि सुदूर देहातों में जहाँ पर आप बिजली नहीं तार के द्वारा नहीं पहुँचा पाते हैं, जो ये थर्मल के द्वारा आप नहीं पहुँचा पाते हैं, तो वहाँ पर सौर ऊर्जा की व्यवस्था आप कर सकते हैं। सौर ऊर्जा है, आप सौर ऊर्जा के माध्यम से आप वहाँ पर हमारे बिहार में भी सौर ऊर्जा का बहुत सारा स्कोप है, पवन ऊर्जा है, पन बिजली है, यूरेनियम है, परमाणु है और इथेनॉल से भी आप उस जगह इसका जो है सो विकास कर सकते हैं। इथेनॉल के लिए आप परमिशन दीजिए, हमारे यहाँ बहुत सारे चीनी मिल है जिसके द्वारा इथेनॉल के द्वारा हम ये ईंधन और ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, इसके ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए। मैं अभी हमारे जो साथी बोल रहे थे जिस प्रकार से कि अवतार सिंह बसपा के हमारे साथी जो अभी बोल रहे थे कि SC ST का उसका एनुअल रिपोर्ट जो है चैप्टर 30.6 में, उसमें आप ज़रा देखिए कि किस प्रकार से OBC और ST ST का इसमें किस प्रकार से इन लोगों के साथ अन्याय किया गया है। वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास एंड SC ST सेल हैज बीन फंक्शन इन द मिनिस्ट्री सीन द एयरली मिनिस्टर अंडर द डायरेक्टर कंट्रोल ऑफ द डिप्टी सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन हु इज ऑल्सो द लेसन ऑफिसर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट सेल ऑल्सो असिस्टेंस द लेसन ऑफिसर फॉर OBC। मैं मांग करता हूँ मंत्री महोदय कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए आपने सेल बनाया है, प्रकोष्ठ बनाया है, मगर वहीं OBC प्रकोष्ठ अभी तक नहीं बने हैं, OBC सेल अभी तक नहीं बने हैं, इनको आप ST ST के साथ जोड़ दिए हैं। मैं सेल बनाने का आपसे अनुरोध करता हूं कि OBC के संपूर्ण विकास के लिए इस विभाग में जिस प्रकार से हर क्षेत्र में OBC के साथ जो अन्याय किया जाता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वह आप जो है सो आपकी सरकार जो बनी है वो जो है सो अम्बेडकर लोहिया कर्पूरी का जो मत था वही मत जो आपके तरफ चला गया, इसी मत से आप जो बने हैं और उसी का OBC का नेतृत्व करता था शेड्यूल का शेड्यूल टाइप का। अभी सर अभी 2 मिनट बाकी है, बिल्कुल 2 मिनट आप अपने तरफ दे दीजिए। ये जो है सो आप जो है शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को अभी जो इसमें आप जो इसमें जो आप जिसको टेबल बनाए हैं, जिसमें जो कैटेगोरी बनाए हैं, इसमें किस प्रकार से अन्याय किया गया है जो देख लीजिए। कैटेगोरी ए में जो है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है, कैटेगोरी ए में 0 है, 59 में 0, एक भी OBC का नहीं। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का है बी में, देख लीजिए कैटेगोरी बी में 125 में 12% है, जबकि 27% आरक्षण है OBC का, 27% के अनुसार क्यों नहीं हुआ। फिर आप सी में देख लीजिए 12% 9 है, फिर CMTS में देख लीजिए 0 है। आप जो है सो वेलफेयर ऑफ CA में देख लीजिए, उसी प्रकार से इसमें भी है 4% 4 है, 1% 1 है, 9% 0.2 है, 1% 2 है, यानी कहीं पर भी आपको 27% इसमें नज़र नहीं आ रहा है। दूसरा आप देख लीजिए OBC का जो है PAO में, आप देखिए OBC का क्या है, इसमें जो है सो 7% है, 21% एक जगह है, 20 पार किया है यहाँ पर, मगर वो भी 27% पर नहीं आया। फिर आइए देखिए एनटीपीसी में, एनटीसीपी में कहीं 15% है, कहीं पर जो 14%,
कहीं 14% यानी हर जगह पर उनका आपका ये पावर ग्रिड में भी वही हाल है। सब जगह पर मैं मंत्री महोदय, मैं आपको एक ध्यान दिलाना चाहूँगा, आपको मंत्री महोदय जरा सुनिए, एक मिनट जरा सुनिए, उधर बात कीजिएगा बात। मंत्री महोदय एक बात आप ध्यान दीजिए, उधर बात कर रहे थे कि नहीं सुनिए, जो आपने इसमें आप बहुत युवा और काम करने वाले मंत्री हैं, मैं आपको इसको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आपका जो नीति जो बनने जा रहा है उसमें हमारे बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी जिस प्रकार से, एक मिनट सर, कर्पूरी ठाकुर जी और माननीय लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी जो मतलब कैटेगोरी फुलफिल नहीं कर रहा था तो गांधी मैदान में लोगों का जो सटीक फिटिक देख कर और उसको जो है सो आरक्षण देने के काम किए थे और आरक्षण के अनुसार काम किए थे और उन गरीब गुड़वा के लोगों को डायरेक्ट बहाली किए थे। तो उसी प्रकार से मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो इस वर्ग के लोग जो फिल करते हैं, क्या उसे रामलीला मैदान में दिल्ली में आप जो है सो खड़ा कराकर उसे नौकरी देने का, इसमें जगह भरने का काम करेंगे? या मैं आपसे अंत में सिर्फ यही बात मैं कहना चाहता हूँ सर, मैं आपको सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ, अंत में सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, ऊर्जा स्रोत से इस देश की सूरत बदलनी चाहिए, ऊर्जा स्रोत से इस देश की सूरत बदलनी चाहिए। आप करें चाहे ये करें या मैं करूं, आप करें या ये करें चाहे मैं करूं, हर घर में बिजली की रोशनी पहुंचनी चाहिए, बिजली की रोशनी पहुंचनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।